महाराष्ट्र की निर्दलीय विधायक गीता भारत जैन जयपुर दौरे पर आई, जिन्होंने कहा कि कुछ स्थानीय बीजेपी नेताओं की वजह से बीजेपी को छोड़ना पड़ा। बीजेपी से उनके सिर्फ मतभेद हैं, मनभेद नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में शामिल होने के बजाय बाहर से समर्थन दिया। जैन ने राजनीति को लेकर कहा कि अभी विधानसभा चुनाव में 2.5 साल हैं। विधायक गीता भारत जैन से बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक गीता जैन जयपुर दौरे पर है, हमारे साथ मौजूद है गीता जैन, उनसे बात करते हैं। मैडम, जयपुर दौरे पर आए हो, कैसे जयपुर का दौरा है, क्या जयपुर में किस किस जगह है? बहुत सुंदर जयपुर का यहाँ दौरा बहुत अच्छा रहा मेरा, सब लोगों से मिली, हमारे यहाँ राघव जी और बाकी सब लोग पत्रकार बंधुओं से मिली, बहुत सुंदर अच्छा लगा, क्योंकि राजस्थान से मैं बेसिकली हूँ और अपनी मिट्टी में, अपने घर पे, अपने स्टेट में आना बहुत एक अच्छा अनुभव रहा। काफ़ी लंबे समय पे आई, क्योंकि कोरोना के चलते हमने 2 साल राजस्थान की विजिट भी नहीं हुई थी, तो एक अपनापन जो यहाँ के महसूस हुआ वो बहुत अच्छा लगा। मैडम, राजनीतिक बात करें तो भाजपा में थे, भाजपा से मनमुटाव हुआ और उसके बाद में निर्दलीय चुनाव लड़ा, क्या लगता है आपको कि एक पृष्ठभूमि थी जहाँ से आपने छोड़ा और वापस दोबारा से इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ा भी और जीता भी? देखिए, मनमुटाव किसी एक पार्टी से नहीं होता है, वहाँ के लोकल लीडरशिप से मनमुटाव ज़रूर, मतभेद ज़रूर हुए, मनभेद नहीं हुए। तो ये पॉलिसी की लड़ाई तो राजनीति में चलती रहती है, तो ये नहीं आप कह सकते कि मेरा मनमुटाव भाजपा से है। कुछ व्यक्ति विशेष से ज़रूर मेरे मतभेद हुए हैं और उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि शहर के हित में मुझे इंडिपेंडेंट सही एक बार ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के समर्थन का मुझे पूरा विश्वास था और वो समर्थन आज मुझे MLA बना के लोगों ने प्रूव भी कर दिया और मैंने भी अपने आप को प्रूव किया कि लोगों का समर्थन मेरे साथ था। मैडम, मतभेद की बात करें कि मतभेद जरूर है, मनभेद नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त अगर आप समर्थन की बात करें तो शिवसेना को आपने समर्थन दे रखा है, भारी समर्थन है, क्या मानते हैं, क्या शिवसेना को आप सिर्फ भारी समर्थन मानते हैं या उनका जो विचारधारा है उसको भी? देखिए, एक निर्दलीय व्यक्ति किसी पार्टी को पहले तो ज्वाइन नहीं कर सकता, ये हमारा संविधान कहता है, तो मैंने समर्थन ज़रूर दिया है। कुछ मुद्दे देखिए, मैं हर एक पार्टी के अपने कुछ प्लस मुद्दे होते हैं, कुछ माइनस मुद्दे होते हैं, तो हम सभी को पकड़ के तो बैठ नहीं सकते, समय समय पे उस स्थिति को देखते हुए हमें अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं, तो वो निर्णय अभी मैंने हमारे शहर के हित के लिए ज़रूर लिया है और शिवसेना को समर्थन दिया है। मैडम, पार्टी की बात करें शिवसेना की, तो विचारधारा, सोच, पूरे देश में जो पहचान थी, क्या लगता है कि जो गठबंधन हुआ उसके बाद में उसमें कुछ बदलाव आया है या उसकी वर्किंग स्टाइल में बदलाव आया है? देखिए, मैं बहुत, एक तो पहले ही मैं उस पार्टी के अंदर से कोई ऐसी व्यक्ति नहीं हूँ कि उस पार्टी से बोलने का मुझे अधिकार है, तो पार्टी के जो भी वरिष्ठ हैं उन्हें इस बात में चिंतन मनन ज़रूर करना चाहिए, वो रिजल्ट्स देखे और वो चिंतन मनन करे और निर्णय भी वो ही ले। मैडम, कोरोना काल पिछला 2 साल गुजरा, सबसे बड़ी चुनौती मानी जाए तो वो थी महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस भी सामने आए, मौतों का तांडव मचा, क्या लगता है वो 2 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें आपकी क्या भूमिका रही है, किस तरह से आपने वहाँ मैनेजमेंट किया? आपके खुद के शहर की बात करें, क्योंकि आप एक्स मेयर भी रही हैं, आपको ग्रास रूट पर पता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरह किया जाता है? जब कोरोना शुरू हुआ था तब हमारे वहाँ एक अच्छी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं थी, हमारे पहले 2 मरीज़ कस्तूरबा हॉस्पिटल में भेजने पड़े थे हमें, तब मुझे ये लगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो हमने सिर्फ 15 दिनों में कोविड की ऐसी आधुनिक हॉस्पिटल खड़ी की, ऑक्सीजन प्लांट्स जो महाराष्ट्र में सिर्फ 3 आए थे, एक में हमारे मीरा भाईंदर में भी लगवाया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे यहाँ एक भी डेथ नहीं हुई, हमने ये हर मरीज़ों के लिए वैक्सीनेशन, होम्योपैथी की गोलियां, ये सब घर घर में हमने बांटा और ये ध्यान रखा कि कोई भी हमारा कोरोना का मरीज़ जहां तक हो सके डेथ के नज़दीक ना पहुंचे, और हम काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहे। हॉस्पिटल बनाना और मरीज़ों को बचाना इन 2 सालों का सबसे एक कठिन जो कहे कि हमारे सामने चैलेंज थी, उस चैलेंज को हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया। मैडम, जिस तरह से कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने कहा कि मैं बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, मुझे पता है कि आपके बारे में भी यही कहा जाता है, क्योंकि आप महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम करती हैं और यही वो वजह रही कि पार्टी छोड़ा, पार्टी छोड़ने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा तो आपने जीत भी हासिल करी है, क्या मानते हैं महिलाओं के उत्थान में आपने जितना योगदान दिया है, क्या वो ग्रास रूट पर महिलाओं के लिए और कुछ करने की जरूरत महसूस करते हैं, और भी कुछ जरूरत महसूस हो? देखिए, हमारे देश में कहने को शहर में थोड़ी भी स्थिति अच्छी है, लेकिन गांवों में अभी तक हमारी महिलाएं पीड़ित हैं,
तो महिलाओं के लिए तो मुझे लगता है एक जिंदगी कम पड़ेगी अगर मैं कुछ करना चाहूँ अपनी तरफ से, एक छोटी सी कोशिश में हर हमेशा करती हूँ। खास तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, बिल्कुल स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने आप को इग्नोर करती है। अब देखिए गाँव में या कहीं भी महिलाएं अपने आप को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देती कि बैलेंस फूड मुझे खाना चाहिए, मुझे ये ज़्यादातर मेंटालिटी लोगों की ये रहती है, महिलाओं की खुद की रहती है कि ठीक है हमें तो जो भी होगा चलेगा, तो स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ है, जबकि वो होने वाली माता है, आने वाली भविष्य की पीढ़ी के स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि घर वालों ने भी उनका उतना ही ध्यान रखना चाहिए कि एक हमारे यहाँ बेटी है उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार या दुजाभाव नहीं करते हुए उनके स्वास्थ्य का तो बल्कि और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, हमारी भविष्य की पीढ़ी का स्वास्थ्य उस पर निर्भर है। हाँ मैडम, आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, हाल ही में टीएमसी की तरफ से एक बयान आया था जैन कम्युनिटी को लेकर के, क्या मानते हैं ये जो मत है इस तरह का, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी जो है वो समाज विशेष के लिए धर्म विशेष के लिए जो होता है वो क्या कहाँ तक उचित है? मेरा बिल्कुल विरोध है ऐसे बयान पे किसी कम्युनिटी के लिए, कि कोई भी कम्युनिटी, ये तो हमारी जैन, जो मैं खुद जैन हूँ, लेकिन मुझे कोई हक नहीं है कि दूसरी कम्युनिटी के लिए मैं कोई भी चीज़ ऐसी बोलूँ जिनसे उनको मनभेद हो, मन दुख हो। ये देखिए अपने एक व्यक्ति विशेष की खाने पीने की जो भी आते हैं उसके लिए पूरी कम्युनिटी के लिए ये कहना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं इसका पुरजोर से विरोध करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो इस कम्युनिटी से माफ़ी मांगे कि आपने इस कम्युनिटी के लिए ऐसा कहा है। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति विशेष को आपने एक को ऐसा देखा, इसका मतलब आप पूरी कम्युनिटी के लिए वो निर्णय या वो अभिप्राय करने के लिए फ्री नहीं हो, आप इस तरह से बोल नहीं सकते, तो इसका कड़ा विरोध। और मैं समझती हूँ कि हर एक जैन ने इस विरोध को अपना समर्थन देना चाहिए और उनको जाहिर में इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मैडम अंतिम सवाल, गीता जैन आज निर्दलीय है लेकिन आगे का रास्ता क्या रहेगा, क्योंकि भैया आपने दो बड़ी बात कही है, पहली बात तो ये कि मतभेद है मनभेद नहीं है और दूसरी बात ये कि आप भारी समर्थन दे रहे हैं शिवसेना को, आगे की राह क्या रहेगी, बीजेपी शिवसेना कांग्रेस क्या रहेगी? देखिए अभी चुनाव में हमारे करीब करीब 2.5 साल है, 2.5 साल का काल गुजर गया है, 2.5 साल में तब की स्थितियाँ, तब के संजोग क्या होते हैं, तब की परिस्थितियाँ क्या होती है और तब क्या निर्णय लिया जाएगा वो मैं शायद आज आपको कह नहीं सकती, क्योंकि उस समय की परिस्थिति ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, तो भविष्य में जो भी परिस्थिति होगी उचित निर्णय तभी लिया जाएगा। अभी मन में कोई विचार नहीं है? नहीं, ले भी नहीं सकती, मैंने कहा परिस्थिति के अनुसार तब का निर्णय होगा। गीता जी एक बड़ी दुखद खबर भी आई है आज की, लता मंगेशकर और नहीं रही हमारे बीच में, कैसे आपसे उनका व्यक्तिगत जुड़ाव था, आप कैसे मानते हैं? देखिए ये क्षति देश की क्षति है, सिर्फ फिल्म जगत की नहीं, एक युग का अंत हो गया है ये मैं समझती हूँ। गायकी की जो बारीकियाँ उनके आवाज़ में थी शायद अब मुझे नहीं लगता कि बहुत नज़दीक के भविष्य में कोई कर सकता है। वो व्यक्तित्व भी बहुत, उनकी दिल की भी बहुत अच्छी इंसान थी, मैं सिर्फ उनसे 2 या 3 बार बहुत कम समय के लिए मिली, पर एक सौभाग्य मेरा ऐसा था कि उनके बाजू में एक फंक्शन में बैठी थी तो और वो कुछ बात कर रही थी, मेरा मुंह से अनायास निकल गया लता जी आप बात भी करती है तो ये लगता है कि संगीत बरस रहा है, तो बोले बेटे अगर दिल से किसी को अच्छे वर्ड्स कहने हैं ना तो वो अपने आप मधुर हो जाते हैं, तो हमेशा किसी के लिए जब अच्छा बोलो तो मधुर ही लगता है कानों को। इतनी बड़ी बात उन्होंने इतने हंसते हंसते कह दी, उस दिन से मैं उनकी उस महानता की भी कायल हो गई। बहुत महान व्यक्तित्व, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, ये प्रार्थना करते हैं। तो देखिए ये थी निर्दल विधायक गीता जैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने काम किया और साथ में उन्होंने बताया कि भाजपा से भले वो दूर हो गए लेकिन मतभेद हुए हैं, मनभेद नहीं है और जिस तरह की परिस्थिति होगी उस परिस्थिति को देखते हुए आगे फैसला करेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।